मामला डूब क्षेत्र का है, जहां सरदार सरोवर बांध के गेट लगने के बाद 131 मीटर भरने पर बैक वाटर का पानी मध्य प्रदेश के निसरपुर चिखलदा करमाल के साथ साथ मध्य प्रदेश के 192 गांव जो नर्मदा किनारे हैं, ऐसे गांव में अब घुसने लगा। लोगों ने अपने घरों में ही रहकर सत्याग्रह शुरू कर दिया। इधर सरदार सरोवर बांध का पानी बढ़ते ही जा रहा था, जिसके चलते लोगों को प्रशासन ने बाहर निकाला। इधर बांध के गेट खुलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। आज उसी डूब क्षेत्र का जायजा लेने के लिए नर्मदा घाटी व पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल डूब क्षेत्र के निसरपुर चिखलदा का दौरा किया। कोई किसी के चक्कर में नहीं आना, मेरी जवाबदारी सबको देंगे। हनी भैया, यहाँ उन्होंने डूब क्षेत्र में रह रहे लोगों की समस्याओं को जाना और उन्हें कहा कि शासन के द्वारा जो पुनर्वास नीति में लिखा गया है उसके अनुसार प्रत्येक पात्र परिवार को सभी सुविधाएं मिलेगी जो पुनर्वास नीति में है। डूबाने पर जो लोगों को हटाया है वह एक हमारा दायित्व होता है कि हम अपने किसी साथी को डूबने नहीं देंगे, लेकिन जो लोग भी पात्र अपात्र के खेल में उलझ गए हैं, जिनका पुनर्वास होना भी बाकी रह गया है, ऐसे सभी विस्थापित लोगों को पुनर्वास की सभी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। सुरेंद्र सिंह हनी बघेल ने कहा कि जो पिछली सरकार थी, जिसने पात्र अपात्र के चक्कर में कई लोगों को अपात्र कर दिया, जिसके चलते आज भी लोग मूल गांव में ही रह रहे हैं। हमने अधिकारियों की टीम गठित की है जो गांव-गांव जाकर पात्र अपात्र की जांच कर सभी को लाभ देंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हनी जी बघेल, सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ चल रहे। पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर सरदार सरोवर बांध के डूब वाटर लेवल में एक मंत्री जी आकर हर गांव-गांव जाकर लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वास्तविकता क्या है, आइए हम जानेंगे मंत्री जी से। मंत्री जी, वास्तव में लोग बैठे आज में स्थिति बड़ी विकट है। विगत 15 वर्षों में जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी सरकार ने या दूसरे क्षेत्र में बनाई है, अब वापस उसको ठीक करने के लिए हमारी कमलनाथ जी की सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। हमारा पहला लक्ष्य है कि दुख प्रभावित जो लोग हैं उनका पुनर्वास से जो काम पूरे हैं। गुजरात सरकार से और केंद्र सरकार से लगातार हम लोग चर्चारत हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारे प्रभावित हो रहे हैं दूध से, स्थापन का काम बाकी है तो आप हमारा सहयोग करो। उसका कुछ गुजरात सरकार भी अब हमसे बात करना है, उन्होंने चालू किया है। मैं समझता हूँ जल्दी इसका हल निकलेगा। मेरी प्राथमिकता मेरी चीज की जनता है, धन्यवाद है, और मैं उनको उनके काम करवाने के लिए काम के लिए पूरी तरीके से लगा हुआ हूँ। ये पात्र जो अपात्र का जो खेल काफ़ी दिनों से चल रहा है और लोग परेशान होते आ रहे हैं, आज लोगों को 4-4, 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर जाकर उनको आवेदन देना पड़ रहा है, बार बार आवेदन दे रहे लोग, फिर भी ये जो वाकई में ये खेल विगत बहुत वर्षों से चला आ रहा है, पर इस खेल को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। हमने दल गठित कर दिए हैं जहाँ भी डूब रहा है क्षेत्र, दल में हमने यहाँ के जो संबंधित डूब रहे थे उनको भी लिया है, कमेटी भी बना दी है हमने, उनको भी जोड़ा है। कलेक्टर धार और पूरा प्रशासनिक अमला इसको मॉनिटर कर रहा है। जो लोगों को पहले परेशानियाँ हुई, दिक्कत हुई, वैसे दिक्कत और परेशानी से हम उनको निजात पाने के लिए पूरा हम लोग उनको परेशानी से दूर रखने के लिए पूरे प्रयासरत हैं। मुस्तैदी से पूरे प्रशासनिक अधिकारी, NVDA की पूरी टीम और मैं स्वयं भी लगा हूँ कि जो कठिनाई परेशानी इतने विगत इतने वर्षों से है वो समाप्त हो और जल्द से जल्द सभी जितने क्षेत्र हैं उनको पुनर्वास का पैकेज भी मिल जाए, प्लॉट भी मिल जाए। जो लोग छूट गए हैं सूची में उनको भी अवसर हम दे रहे हैं कि आप अपना दावा करिए, व्यवस्थित पुनर्वास करेंगे, अच्छा पुनर्वास करेंगे और जनता को साथ में और डूब प्रभावितों को साथ में लेके पूरा काम करेंगे। सर, ये थे मंत्री जी सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, जिन्होंने आज वास्तव में जनता के दर्द को जाना है, गांव-गांव घर-घर जाकर उनकी स्थिति, वास्तविक स्थिति देखी है और अब उन्होंने ये तक बोला है कि जो पात्र अपात्र का जो खेल चल रहा है उसे जल्द खत्म करेंगे और सभी पात्रों को उनके अधिकार, उनको प्लाट, उनकी जो जो भी राशि उनको मिलना चाहिए वो देंगे। कैमरामैन मोहम्मद शेख के साथ आशुतोष सेन की रिपोर्ट।